आज के वीडियो में हम एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं, तो फ्लो चार्ट को बनाने के बाद हमें किन चीजों के फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक सबसे मेन एडवांटेज है फ्लो चार्ट का, वो ये है इजी टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अब इजी टू अंडरस्टैंड द लॉजिक का मतलब यह है कि जब हम लोग अपना एल्गोरिदम लिखते हैं, तो आप जैसे कि पहली वीडियोस में देख चुके हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो होता है वो नेचुरल लैंग्वेज में होता है, यानी कि नॉर्मल इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश में एक पूरी की पूरी लॉजिक को समझना इतना आसान नहीं होता जितना आसान इस तरह से हो सकता है कि अगर वही लॉजिक हमारे सामने फ्लो चार्ट की फॉर्म में, यानी कि डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए। तो जब चीजें डायग्राम की फॉर्म में हमारे सामने रिप्रेजेंट होंगी, तो जो उनकी लॉजिक होगी उनको समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट एडवांटेज, यानी कि जो अगला फायदा, वो ये है इजी टू मेंटेन। इजी टू मेंटेन का मतलब ये है कि अगर आगे चल के हमें अपने एल्गोरिदम के लॉजिक में या हमें अपने पूरे के पूरे सिस्टम में कोई चेंज करना पड़ जाता है या हमें कोई चीज अपडेट करनी पड़ जाती है, तो क्योंकि फ्लो चार्ट में कंप्लीट डायग्राम हमारे सामने आ रही होती है, तो उसको मेंटेन करना, उसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है कंपैरेटिवली कि हम एक पूरे के पूरे एल्गोरिदम को या पूरे के पूरे कंप्यूटर प्रोग्राम को पहले मेंटेन करें। उसके बाद है हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर्स। हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर्स का मतलब यह है कि ये हमें एरर फाइंड करने में मदद फराहम कर सकता है। अब ये मदद किस तरह से फराहम कर सकता है, वो इस तरह से कर सकता है कि अगर हमारे प्रोग्राम में, हमारे सिस्टम में कोई एरर या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको चेक करना कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आई है एल्गोरिदम में और प्रोग्राम में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये काम हम फ्लो चार्ट से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट में एक कंप्लीट सिस्टम हमारे सामने एक पिक्चर की फॉर्म में, एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा होता है, हमें नजर आ रहा होता है। इसलिए उसमें जितने भी एरर्स होते हैं या उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ढूंढना हमारे लिए बहुत काफी आसान हो जाता है। इसके बाद जिसका एक और एडवांटेज है, वो ये है कि इट हेल्प्स टू कन्वर्टिंग एन एल्गोरिदम इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम। जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो उससे पहले हमने एक एल्गोरिदम भी लिखा होता है, तो एल्गोरिदम को लाजमी तौर पे हमें कंप्यूटर प्रोग्राम में चेंज करना पड़ता है। अब एल्गोरिदम को एज इट इज कंप्यूटर प्रोग्राम में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं उनको उसको लॉजिक समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम फ्लो चार्ट बना देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फ्लो चार्ट से लॉजिक बड़ी आसानी से समझ आ जाती है, तो अगर लॉजिक आसानी से समझ आ रही है, तो उस लॉजिक को हम अपने प्रोग्राम में भी बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस के बारे में देखा है, और हमने ये देखा है कि कौन से मेन फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस हैं या कौन से उसके मेन फायदे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं।